आपस की राजनीति। बिल्कुल इस बीच बड़ी खबर आ गई। देखिए लगातार जो हम तस्वीरें भी यहाँ पर बयां कर रहे हैं कि कितने वोटों का डिफरेंस आ रहा है। लक्ष्मणगढ़ से पीसीसी चीफ डोटासरा पीछे चल रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर लक्ष्मणगढ़ से, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से पीछे चल रहे हैं। लगातार जीत दर्ज कर रहे थे वो अपनी सीट पर, लेकिन अभी फिलहाल जब शुरुआती तौर पर काउंटिंग जारी है, ऐसे में पीछे चल रहे हैं ये 218 वोटों से सुभाष मेहरिया डोटासरा से आगे है। और हम पहले से जिक्र कर रहे हैं चुनाव टफ चुनाव है, हॉट सीट है, और सुभाष मेहरिया बड़ा नाम है बीजेपी के, और पहले भी गोविंद डोटासरा से मुकाबला रहा है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर देखिए बीकानेर के खाजूवाला से डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल आगे चल रहे हैं। मेघवाल करीब 2000 मतों से आगे चल रहे हैं। इसका मतलब ये कि एक और मंत्री पीछे चल रहे हैं, और खाजूवाला को लेकर जिस तरीके से नाराजगी थी शायद वो भी रिफ्लेक्ट हो सकती है। गोविंद मेघवाल पीछे है, ममता भूपेश पीछे है, और हम ये बात कर भी रहे थे कि मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ इस बार काफी परेशानी। बिल्कुल इस बीच बड़ी खबर है जहां लगातार आगे पीछे ये जारी है काउंटिंग का खेल, और हवा महल विधानसभा क्षेत्र से इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, बेहद अहम सीट, हॉट सीट, जहां कांग्रेस प्रत्याशी आर आर तिवारी ने पहले राउंड में बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी आर आर तिवारी आगे चल रहे 8010 वोट, जबकि बाल मुकुंदाचार्य को 187 वोट मिले हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। अब ये बात कर रहे हैं इमोशनल कार्ड चल गया, ये पोलराइजेशन है, ये मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक बहुल इलाकों से निकला हुआ खजाना है जो मिला है। लेकिन 8010 एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर दूदू विधानसभा से इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर दरअसल ये है कि मतगणना के 4 राउंड पूरे हो चुके हैं, और 4 राउंड के बाद का परिणाम क्या है ये भी देखिए। बीजेपी के प्रेमचंद बैरवा आगे चल रहे हैं, यानी कि बाबूलाल नागर पीछे चल रहे हैं। और कमाल की बात है कि दूदू वो जिला जो पंचायत समिति नहीं थे लेकिन बना, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन कम से कम 4 राउंड की मतगणना के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। देखिए यहाँ पर गुजर मतदाता, यहाँ पर जाट मतदाता। बिल्कुल इस बीच भोपालगढ़ से भाजपा प्रत्याशी कमसा मेघवाल 172 मतों से आगे चल रही हैं। जोधपुर शहर से भाजपा प्रत्याशी अतुल भंसाली 1357 मतों से आगे चल रहे हैं। तो सूरसागर से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र जोशी 11 मतों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी कमसा मेघवाल 172 मतों से आगे, पहले भी विधायक रह चुकी है कमसा मेघवाल, पिछली इससे पिछली बीजेपी सरकार थी कमसा विधायक। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोटा दक्षिण से कांग्रेस की राखी गौतम आगे चल रही हैं, और इससे पहले राउंड में बीजेपी के संदीप शर्मा आगे चल रहे थे, लेकिन अब राखी गौतम आगे चल रही है। ढग से बीजेपी उम्मीदवार कालूराम मेघवाल आगे चल, ये वही सीट है जो जहां से ओम बिरला चुनाव लड़ा करते थे विधानसभा का। ओम बिरला जब लोकसभा लड़े और बाद में स्पीकर आज हुए हैं, और फिर संदीप शर्मा बीजेपी से आए और वो विधायक बने।